بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون सूरतुल माउन। इस सिलसिले में आप हजरात के सामने मुसलसल चार पाँच हफ्ते से उसके मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ की गईं। इस वक्त में हम लोगों के सामने उन मुख्तसर तफसीलात के बाद जो बातें कुरान पाक में इशारतन वजाहतन बताई गई उनके सिलसिले में कुछ आपको निशानदेही करनी है। तफसीर के बारे में उलमा ये बात फरमाते हैं, अल-कुरआनु युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, अल-कुरआनु युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, क़ुरान बाज़ की तफसीर बयान करता है। क़ुरान की तफसीर बयानी में अगर आप गौर करेंगे तो क़ुरान पाक की एक दूसरी आयत के दरमियान एक अजीब रब्त होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करूं, यहाँ यतीम के बारे में ज़िक्र आया तो क़ुरान पाक में जहाँ सूरतु ज़ुहा है वहाँ यतीम के सिलसिले में कुछ अहम बातों का इंकिशाफ किया गया। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए ये बात कही कि ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى, और उससे पहले अलम यजदिक यतीम फ़आवा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? अलम यजदिका, अलम यजदिका, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? फ़ावा, और पस हमने आपको पनाह दी, यानी रब्बे ज़ुलजलाल ने आपको यतीम पाया और उसी रब ने पनाह भी दिया। और यहाँ सूरह अरईत अल्लज़ी में अरईत अल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुउल यतीम, उलमा फरमाते हैं यहाँ यतीम से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है आम यतीम के बारे में, एक है ख़ास यतीम के बारे में। वो ख़ास यतीम कौन? हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों ने आखिरत को भी झुठलाया, यतीम को भी झुठलाया, यानी रिसालत को भी झुठलाया। यहाँ यतीम से मुराद अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वसलाम की ज़ात अक़दस है, जिसको यहाँ इशारतन बताया गया कि आप यतीम हैं, इसी यतीम को इन लोगों ने छोड़ दिया। यानी आखिरत का भी इनकार किया। आपने जो कुछ आखिरत के सिलसिले में इन लोगों को बताया, जैसे आप अलैहि सलातु वसलाम की वो पहली दावत जो आपने पहाड़ी पर खड़े होकर इशारा करते हुए आपने फरमाया था कि ए लोगो,
मैं तुम्हें यह कैसी बात की खबर दे रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरी बात तस्लीम करोगे? तो लोगों ने कहा, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, हम कैसे आपकी बात तस्लीम नहीं करेंगे? तो आपने फरमाया था, पीछे एक लश्कर है जो आप पर हमला आवर होने को तैयार है, वो अन करीब आप पर हमला होगा, क्या अगर मैं ये बात कहूँ तो आप लोग इस बात को तस्लीम करोगे? तो उन्होंने फौरन माना था, फौरन तस्लीम किया था। तो आपने ज़िंदगी के बाद आने वाली उन तमाम बातों की तरफ इशारा फरमाया, मरने के बाद कब्र है, मरने के बाद हशर है, मरने के बाद सवाल जवाब है, मरने के बाद अल्लाह के नज़दीक हाजिरी है, ये तमाम बातों को बताया। तो इन लोगों ने उन तमाम बातों को झुठला दिया। इसी को अरअइतल्लज़ी युकद्दिब बिद्दीन, कि ये लोग जिन लोगों ने दीन का इनकार किया, क्या आप उनकी तरफ नहीं गौर करते? यानी क्या मतलब, आखिरत के मुनकिरीन की तरफ देखिए। فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, ये आखिरत के इनकार करने वाले ही वही हैं जिस यतीम ने इस बात की खबर दी कि आखिरत में सब कुछ अल्लाह के सामने हाजिरी होगी और सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इन लोगों ने झुठला दिया। यानी गोया यतीम की हालत में अगर कोई परवरिश पाता है तो उनका दिमाग ये बना हुआ है, यतीमों की बात सुनो मत, यतीमों की बात मानो मत, यतीमों के बारे में कुछ ऐसी अजमत वाली राय रखो मत, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया करो। ये वो लोग करते हैं जो आखिरत के मुनकिर होते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? फअम्मल यतीम फला तक़हर, एक तरफ उन लोगों का बताया गया और सूरतु ज़ुहा में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमानों को कैसा रहना चाहिए, मुसलमानों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, उसकी रहबरी फरमाई। फअम्मल यतीम फला तक़हर, यतीमों को कभी धुतकारा मत करो, यतीमों को कभी ढकला मत करो, धोखा मत दिया करो, उनके ऊपर कहर नाजिल मत करो, गुस्सा मत करो, यतीमों के साथ खैर का, मोहब्बत का, प्यार का बर्ताव किया करो। ये सूरतु ज़ुहा में अल्लाह ने फरमाया। अब आगे फरमाते हैं, देखिए अजीब रब्त है, फरमाया वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ये कौन लोग हैं जो मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरफ तरगीब नहीं देते। तीसरी आयत। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ आप हजरात को, कुरान पाक अगर सामने हो तो फिर आयतों के दरमियान का रब्त समझाने में आसानी हो। यहाँ तीसरी आयत है, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, वो लोग हैं जो मिस्कीनों के खाने की तरफ तरगीब नहीं देते और किसी भी तरह के फजाइल बयान नहीं करते। और यहाँ क्या हुक्म दिया गया, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, जो भी सवाल करने वाला हो उसको आप महरूम मत कीजिए। महरूम मत कीजिए क्या मतलब, यानी सवाल करने वाले के सवाल को पूरा कीजिए, सवाल करने वाले की ज़रूरत को दिया कीजिए। अगर कोई सवाल करने को आता है उसको खाली हाथ मत भेजिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तरुद्दु साइल व इन जा आला फरसिन, घोड़े पर सवार होकर अगर कोई सवाल करने वाला आए तब भी उसे धुतकारो मत। यह आपने फरमाया। क्या मतलब, अगर कोई सवाल करने वाला बड़ा आदमी आ रहा है, घोड़े की मिसाल कार से दी जाती है, अगर कार पर सवार होकर कोई सवाल करने वाला आता है तो आप ये नहीं देखना चाहिए कार में बैठकर भीख मांग रहा है, हो सकता है बेचारा कार में पेट्रोल है, ख़ुद के अंदर कोई पेट्रोल ना हो, ख़ुद ग़िज़ा का मोहताज हो, ख़ुद बेचारा ड्राइवर हो, या ख़ुद बेचारा चोरी की वजह से कल्लाश व फल्लाश हो चुका हो, खुद मोहताज हो गया हो, ऐसा बाज मर्तबा होता है। तो इसीलिए फरमाया कि अगर कोई मोहताज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए उस हाथ को खाली मत जाने दीजिए। अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है,
कम से कम क्या देना चाहिए, फरमाया अच्छी बातें दे देना चाहिए ताकि वो अहबाब हर तरह के खैर के साथ आपसे जुदा हों। अब देखिए तीसरी कौन सी आयत, तीसरी आयत है जिसको आज आप हजरात को बताना है, वैलुल लिल मुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون। अब यहाँ तीन बातें बताई गई। सबसे पहली बात आबिदीन के सिलसिले में एक बड़ा मजमा आपको मिलेगा जो इबादत गुजार का मिलेगा, वो सिर्फ इबादत को दीन समझते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, यानी इबादत करने वाला यानी नमाजी को दीनदार समझेंगे, नमाजी ही को वो यूँ समझेंगे कि सब कुछ नमाज है, नमाज के अलावा कुछ नहीं है, अरबी जो करना है वो सिर्फ नमाज 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 पढ़ लो, सब चीज़ें में अखलाक ख़राब हो जाए कोई हर्ज नहीं, नमाज बेतरतीब हो जाए कोई हर्ज नहीं, नमाज के अलावा कंजूस मक्खी चूस हो जाए कोई हर्ज नहीं, नमाज के अलावा बदतरीन अखलाक हो जाए कोई हर्ज नहीं, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन मामला सही नहीं है, माशरा सही नहीं है, अखलाक सही नहीं है, इसकी तरफ कोई उनकी तवज्जो नहीं। हज़रात उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने ऐसे मुसल्लियों के लिए लानत भेजी है और जहन्नम के वादी की बशारत सुनाई है। वैलुल लिल फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी हो उन नमाजियों के लिए। ख़वातीन तवज्जो चाहता हूँ, इसमें हम लोगों भी बहुत ज़्यादा गाफिल होते हैं। आगे का जो मुसल्लियों के सिफात अल्लाह ने बयान फरमाया ये बहुत डरने की बात है, बहुत खौफ खाने की बात है। फरमाया बर्बादी हो उन मुसल्लियों के लिए, कैसे मुसल्ली, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, साहून कहते हैं गफलत करने वाले, सुस्ती करने वाले, सुस्ती यानी नमाज को टाल कर पढ़ने वाले, नमाज को टालने वाले, नमाज को आगे बढ़ाने वाले कौन लोग हैं। नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ना चाहिए लेकिन अब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, कहते कहते ऐसे वक्त में नमाज को पहुंचा देते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई असर की नमाज ताखीर करके पढ़ता है वो उस वक्त में पहुंच जाता है जिस वक्त में शैतान की दो सिंगें निकल जाती हैं। क्या मतलब, शैतान की इबादत का वक्त, शैतान के सिंग निकल गए, क्या मतलब, क्या यानी शैतान उरूज पर आने का वक्त, शैतान शबाब पर आने का वक्त, शैतान अपने अपने उरूज पर अपने फ़ख्र पर अपने तकब्बुर पर आने का वक्त, जैसे कि हम लोग कहते हैं उमूमन अपनी ज़ुबान में, क्या भाई उसके तो सिंगा निकल गए। भाई सिंगा निकल गए का मतलब क्या, यानी बहुत बोल रहा है बहुत उड़ रहा है, मुतकब्बिर हो गया। मुतकब्बिर हो गए को ज़रा अनानियत तकब्बुर वाली बात अगर कोई कहता है तो सींग निकलने की मिसाल देते हैं। तो हदीस पाक में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यस्जुदु बैन क़रनै शैतान, वो सजदा करता है शैतान के दो सिंगों के दरमियान। क्या मतलब, शैतान उस वक्त के नमाजी से बहुत खुश होता है जो जवाल के वक्त नमाज पढ़े, गुरूब के वक्त नमाज पढ़े, तुलू के वक्त नमाज पढ़े। क्यों, वो ये तीनों अवकात शैतान के पूजा करने के अवकात हैं, शैतान को खुश करने के अवकात हैं, जो शैतान की परस्तिश करने वाले होते हैं वो इन तीन अवकात में परस्तिश करते हैं। जैसे सूर्य पूजा करने वाले बिल्किस के उस जगह को जहाँ पर बिल्किस भी याबुदून अश्शम्स मिन दूनिल्लाह, सूरज की पूजा करने वाली औरत थी बिल्किस और उसके पूरा ख़ानदान, पूरे पूरा पूरा रियाया, वो ये सब के सब सूरज के पुजारी थे, सूरज की पूजा करते थे। आज भी हैं सूरज के पुजारी बहुत सारे आपको मिलेंगे कि वो सूरज की पूजा करने की एक माबद बनाए हैं। मआरिब में एक माबद है जहाँ पर सूरज की पूजा करते हैं। अब वहाँ क्या हुआ, सूरज की पूजा करने के लिए बिल्किस ने उस ज़माने की टेक्नोलॉजी देखी है,
सूरज जहाँ पर तुलू होता है वहाँ 365 सुराख हैं, सूरज जहाँ पर गुरूब होता है वहाँ 365 सुराख हैं। और उन लोगों को इल्म था कि जनवरी का पहला किरण सूरज का कहाँ पड़ेगा, पहली तारीख का, दूसरी तारीख का, तीसरी तारीख का, चौथी तारीख का, ये तमाम तारीखों को उन लोगों ने बाकायदा नोट करके रखा है। तो जिस वक्त सूरज तुलू होता था तो उसी तमाम सुराखें खुले होने के बावजूद वैसे अंदाज में उस माबद को, उस इबादत खाने को बनाया है, एक ही सुराख में रोशनी आएगी, सिर्फ एक ही सुराख में, हालांकि पूरे सुराख खुले हुए हैं, उसी सुराख में रोशनी आएगी जिस सुराख में जनवरी की पहली तारीख की रोशनी आती है, दूसरी तारीख की रोशनी आती है, तीसरी तारीख की रोशनी आती है। उस जगह पर बाकायदा उनकी मलिका को बिठा दिया जाता था ताकि आज की रोशनी, पहली रोशनी हमारी मलिका पर पड़े, किसी और पर ना पड़े। तो वो पहले पढ़ते, फिर उसके बाद वो लोग पूजा शुरू कर दिया करते थे। इस तरीके से उन लोगों की परस्तिश होती थी। तो शैतान खुश हो जाता है उन अवकात में नमाज़ पढ़ने से, गुरूब तुलू और जवाल के वक्त में। यहाँ अल्लदीन अन सलातिहिम, अल्लदीन हुम अन सलातिहिम साहून, ये वही लोग हैं जो लोग अपनी अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, कोई भी नमाज हो, ऐसी वक्त में टाल कर पढ़ना जिस वक्त में आदमी की बशाशत ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ईशा की नमाज का वक्त बहुत देर से पढ़ते थे, आप अलैहिस्सलाम बहुत देर से ईशा पढ़ते थे, यानी उस वक्त पढ़ते थे जिस वक्त में औरतें सो जाती थीं, बच्चे सो जाते थे, और किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है, तो उमर आकर कहते थे नामति निसा वस्सिबियान या रसूल अल्लाह, नाम या रसूल्ला, औरतें सो गईं, बच्चे सो गए, हम जागे हुए बैठे हुए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फजीलत बयान फरमाया करते थे, ए उमर, ए सहाबा, तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम बड़े खुश नसीब हो, इस वक्त में रुए ज़मीन पर नमाज के इंतज़ार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, सिर्फ तुम लोग हो। तो सबके सब खुश हो जाते साहबा, फिर एक और एक आधा घंटा जागते। तो आप अलैहिस्सलाम इनफरादी कोई भी मसाइल होते हो तो मसाइल पर आप गुफ्तगू करते रहते, और यहाँ पर नमाज ताखिर होती, फिर आप आकर पढ़ाते, फिर साहबा जाकर सो जाते। अलगर्ज इंतज़ार सलाफ़ी सलाह आप कहते, तो ये आप अलैहिस्सलाम के मुसल्ले की खसूसियत। लेकिन औरतों के लिए जमात की नमाज़ नहीं है भाई, मर्दों के लिए जमात की नमाज़ है। मर्द हज़रात जमात का इंतज़ार करेंगे, जमात के लिए कुछ ताखिर होगी नमाज, किसी भी मामलात में जमात को मौखर किया जाएगा, ये मर्दों के मसाइल हैं। लेकिन औरतों के लिए क्या, अस्सलातु अला वक्तिहा, अजान हो जाए फौरन नमाज अदा कर लो भाई, फजर की अजान हो जाए बे सुन्नत पढ़ लो नमाज पढ़ लो, जोहर की अजान हो गई सुन्नत पढ़ो नमाज पढ़ो, असर हो गई सुन्नत पढ़ो नमाज पढ़ो, मगरिब है तो फौरन नमाज पढ़ लो, ईशा है नमाज पढ़ लो, बे आपको जमात के इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत। तो उलमा ने फरमाया सबसे पहली बात तो यह है कि जो नमाज में गफलत करते हैं यानी वक्त टाल कर पढ़ते हैं, दूसरी जमात क्या, नमाज में गफलत करते हैं यानी जमात का अहतमाम नहीं करते, साहून से मुराद आसान बेवजह जमातों को छोड़ देते हैं। अरे भाई जमात, हाँ भाई कभी किसी वक्त में आप कोई अहम काम में मसरूफ़ हैं, अहम मसले के हल में मसरूफ़ हैं, आप किसी और वजह में मसरूफ़ हैं, चलो भाई नमाज आगे पीछे हो गई, लेकिन जमात के साथ आप पढ़ रहे हैं ये अलग चीज़ है। लेकिन आम लोगों के लिए जमात को टाल कर नमाज पढ़ना, इसकी इजाज़त नहीं है। इसमें दो भी आ जाते हैं, एक है मिसाल के तौर पर फजर की नमाज तहज्जुद पढ़े आप, तहज्जुद पढ़ने के बाद जमात को पौना घंटा है या एक घंटा है, आपने क्या किया, अजान होती फौरन फजर पढ़ लेकर सो गए, ये मुकद्दम हुआ, यानी जमात से पहले आपने क्या कर लिया, मुकद्दम कर लिया, और आपको कोई बीमारी नहीं। जैसे आम तौर पर बीमार लोगों से यूँ कहा जाता है, अरे भाई आप अव्वल वक्त में पढ़ लो, अगर मिसाल के तौर पर कोई जाग गया तहज्जुद में, बीमार इंसान वज़ू कर लिया, अब उसे बार बार वज़ू करा तो नहीं सकते, बीमार इंसान है,
हाँ, तो उसको क्या कहते हैं भाई, फजर की अजान हो गई तो आप नमाज पढ़ लेकर आराम कीजिए। सेहतमंद आदमी है, अच्छा आदमी है, कोई सफ़र से आया हुआ नहीं है, थका हुआ नहीं है, तबीयत अच्छी। इसमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए कि मर्द हजरात को अगर कोई उज़्र नहीं है तो वो जमात का इंतज़ार करें और जमात के साथ नमाज अदा करें। पहले भी पढ़ना साहून है और टाल कर लेट पढ़ना भी, इतने अवकात पर पढ़ना जिन अवकात में नमाज की बशाशत ख़त्म हो जाए वो भी साहून है। तो साहून नमाज, ये तो रही बात नमाजियों के बारे में, इसलिए यहाँ कहा वैलुल लिल मुसल्लीन, बेनमाजियों की बात नहीं चल रही है। अरे भाई, यहाँ बेनमाजियों की बात नहीं चल रही है, नमाजियों की बात चल रही है। साहून, बाज़ उलमा ने क्या फरमाया, साहून से मुराद ढंग से वजू ना करने वाले। नमाज में ढंग से वजू नमाज में भी नहीं किए, नमाज पढ़े सुस्ती से। वइदा कामू इला सलाती कामू कुसाला, ये कुरान पाक में लफ्ज है कामू कुसाला। कुसाला किसे कहते हैं, सुस्ती के साथ खड़ना, नमाज में बशाशत ही नहीं, सुस्ती नमाज में खड़ने, ढीला पाँव छोड़ लेकर, ढीला सर छोड़ लेकर, ढीला बदन। अरे नमाज में जब खड़े हो तो कम से कम बशाशत होनी चाहिए, अल्लाह के सामने आप खड़े हुए हैं, सोमारी की तरह खड़ना। इसीलिए उलमा कहते हैं आंख बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। क्यों, आदमी आंख बंद करके नमाज पढ़ेगा तो क्या करेगा भाई, नींद दावत देगी, आंख बड़े इखलास से नमाज पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, क़ियाम में सो गया, रुकू में सो गया, सजदे में सो गया, अरबी नमाज में गफलत होगी कि नहीं होगी। और दूसरी बात, नमाज में इधर उधर देखना ये भी साहून है, यानी नमाज में ये हाजिर नहीं है। नमाज में जहाँ देखना वहाँ देखना, जैसा रुकू करना वैसा रुकू करना, जैसा सजदा करना वैसा सजदा करना, ये साहून उस आदमी को कहते हैं जो ढंग से रुकू ना करे, सजदा ना करे, ढंग से नज़रों को एक ही जगह पर ना जमाए, यहाँ वहाँ नज़रों को दौड़ाता रहे, उसे साहून कहते हैं, इसे साहून। तीसरी साहून कौन है, तीसरा साहून उस इंसान को कहा जाता है जो इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज का एहतमाम नहीं करता। नमाज पढ़ता है, सब नमाजें कज़ा कर देता है सुस्ती के साथ, जोर के साथ सर पढ़ ले, जैसे कि एक बड़ी जमात नमाज तो पढ़ेगी लेकिन सब क्या करेंगे, जैसे सफ़र में हैं दो दो नमाजें मिला मिला कर पढ़ेंगे, दो दो नमाजें मिला मिला कर पढ़ेंगे। भाई सफ़र में हैं, उजूर नहीं है तो जोहर में जोहर पढ़ो, असर में असर पढ़ो, मगरिब में मगरिब पढ़ो, ईशा में ईशा पढ़ो, उजूर है। जैसे ट्रेन, ट्रेन एक उजूर है, बार बार जाकर वजू करोगे, भाई वो जो पानी है वो पूरे पैसेंजर के लिए पानी है, तुम अकेले के लिए नहीं है। तुम अगर पाँचों मरतबा वजू करते रहोगे, और बाज़ लोगों को वजू में तीन तीन बकेट पानी चाहिए, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं पूरी टांगी खाली कर देते हैं। अब ऐसे नमाजी, ऐसे नमाजियों से तमाम पैसेंजर्स को तकलीफ होती है। तो वहाँ क्या कहा गया, कोशिश इस बात की करो एक वजू में दो नमाजें पढ़ने की, ताकि बार बार वजू करने की ज़रूरत ना पड़े। असर जहर मिलाकर पढ़ लो, या असर मगरिब मिलाकर पढ़ लो, इस तरीके से आखिरी वक्त असर का, बे असर की नमाज़ पढ़ी, 10 मिनट आप जिक्र में मसरूफ रहें, मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ लो। इस तरह नमाज को मिलाकर पढ़ लेना, इसकी इजाज़त है सफ़र में। लेकिन हजर में, जैसे शिया, शिया के यहाँ तीन ही अजान हैं, तीन ही नमाजें हैं, नमाज पांच है लेकिन तीन अवकात, फजर की अजान, फजर की नमाज पढ़ेंगे, जोहर असर मिलाकर पढ़ेंगे, एक अजान दो इकामत दो नमाज, मगरिब ईशा मिलाकर पढ़ेंगे, एक अजान दो इकामत दो नमाज, मगरिब की अजान होगी, मगरिब पढ़ेंगे, जैसे थोड़ी देर के बाद फिर इकामत होगी, फिर ईशा पढ़ेंगे, ये भी साहून है। और वो लोग कहते क्या हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। तो वो लोग कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए मुसाफिर खाना है, तो हम दुनिया भर में जब भी जब तक रहेंगे तब तक सफ़र की नमाज़ पढ़ते रहेंगे, दो दो नमाज़ों मिला मिला कर पढ़ते रहेंगे। अरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने किया, तो आपने फरमाया दुनिया में नमाजी के अतबार से मुसाफिर की तरह रहो नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी के अतबार से मुसाफिर की तरह रहो।
जैसे मुसाफिर के पास मुख्तसर ज़रूरियाती ज़िंदगी होती है वैसे रहो। यह ऐसा नहीं कहा गया कि तुम आकर नमाज में मुसाफिर की तरह बन जाओ, नहीं। तो क्या करते, दूसरी, ये तो रही बात साहुन की, दूसरी सिफत क्या किया, क्या बताया मुसल्लियों की, अल्लज़ीन हुम युराउन, वो नमाज में रियाकारी करते हैं। नमाज में रियाकारी करते हैं क्या मतलब, बे रिया तो ये क्यों, एक तो ये दिखलावा। उलमा ने अजीब बात फरमाई, जमात की नमाज में दिखलावा नहीं है, जमात की नमाज में दिखलावा ही नहीं है। नमाज में जमात के साथ भाई तू भी नमाज पढ़ने आई, ये भी नमाज पढ़ने आई, ये भी नमाज पढ़ने, भी क्या कमाल किया तू, अरे तेरा क्या कमाल। तो दिखलावे को ख़त्म करने ही के लिए जमात के साथ नमाज है। जमात की नमाज इज्तिमाई उमूर में नज़रें बट जाती हैं, नज़रें इधर उधर हो जाती, वो दिखलावे की नमाज नहीं होती। पहली बात, यानी क्या मतलब, युराउन से मुराद इनफिरादी नमाज पढ़ने वाला, ये दिखलावा है। दिखलावा क्या मतलब, अलग नमाज पढ़ रहा है, भाई तू जमात पर चला गया कोई बात नहीं, पूरे मजमा यहाँ बैठा हुआ है। एक तो ये है कि भाई मजमे के साथ मिलकर आप अलग से सबके साथ मिलकर नमाज पढ़ लो, ये जमात की नमाज हुई। आप क्या कह रहे हैं, भाई 8 बजे बज गए ना भाई, अब जमात यहाँ बैठकर गुफ्तगू कर रही है, ये वजू कर रहा है, अलग नमाज पढ़ रहा है, ये युराउन है। ये बताना ये चाहता है तुम लोग नमाजों के फिक्रमंद नहीं हो, मैं अकेला फिक्रमंद हूँ। अरे अकलमंद इंसान, जब जमात यहाँ पर जुड़ी हुई है, थोड़ी देर के बाद जमात खड़ने वाली है और जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, और तुम इनफरादी जाकर नमाज कैसे अदा कर रहे हो, ये युराउन। दूसरी बात, रियाकारी करना नमाज में, नमाज में रियाकारी, ये तो मुतलकन एक बात है जो रियाकारी करने के सिलसिले में तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, दिखलावे के लिए नमाज पढ़ना। तीसरी चीज़ कि मैं नमाजी हूँ, जैसे बाज़ लोग पेशानी पर निशानी लगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हरकतें सजदे में करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े नमाजी हैं। युराउन दिखाना चाहते हैं, क्यों, ये कि अल्लाह ताला के यहाँ नमाजियों की निशानी मतलूब नहीं है, नमाज मतलूब है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद, यहाँ जो असरी सुजूद जो बताया गया, ऑलरेडी बंदा जब सजदा करेगा वो सजदे की रोशनी अल्लाह के सामने क़ियामत के दिन ऐसे रोशन होकर नज़र आएगी, देखने वाले पहचान लेंगे ये नमाजी हैं। रोशनी के लिए ट्यूबलाइट लगाना ज़रूरी नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं कि आँखों पर क्या लगा लें, निशानी लगा लें, निशानी लगाएंगे तो हम लोग क़यामत के दिन पहचान जाएंगे। तो वो पहचान लगवाना नऊज़ बिल्लाह, अगर निशानी के खातिर युराउन है तो वो उस पर लानत है, वो उस पर अल्लाह के यहाँ से सवाब नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज़, बाज़ लोगों ने क्या फरमाया, तहज्जुद में जब उठते हो तो साइलेंट उठना, साइलेंट नमाज पढ़ना। तहज्जुद में उठ रहे हो, घर में हंगामा, लोटा उठाकर फेंक दिए, इन्हों उड़ गए, क्या किस्सा, किधर क्या हंगामा चला, नहीं मामू तहज्जुद पढ़ रही, हाजी साहब तहज्जुद पढ़ रही, बाबा तहज्जुद पढ़ रही, ठीक है तहज्जुद पढ़ रही, भैया जलजला की को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, उठो ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, वजू करो, नमाज पढ़ो, हंगामा क्या मतलब। तहज्जुद का जो जिक्र होता है, देखो जिक्र जहरी हमारे अकाबिर जमात के साथ इजाज़त देते हैं, जैसे जिक्र जहरी नमाज में, इनफरादी नमाज सिर्री किरात होगी, इनफरादी जो नमाजें होती सिर्री, इसी तरह इनफरादी जो जिक्र होता है वो सिर्री होगा, इज्तिमाई जो जिक्र होगा वो जहरी कर सकते हैं। जब सबके सब जहरी हो तो जहरी कर सकते हैं, इज्तिमाई जिक्र जहरी है, इनफरादी जिक्र सिर्री है। तो तहज्जुद में अगर कोई जिक्र कर रहे हैं तो हमारे तमाम असलाफ इस बात का अहतमाम करते थे कि तहज्जुद में उठे, नमाज पढ़े, जिक्र किया, ये किसी को पता ना चले सिवाय अल्लाह के, इस तरह उनकी मख्फी नमाजें होती थी। यहाँ तक के मसनून तरीक़ा ये है, ख़ुद आप अलैहिस्सलाम रात भर जागने के बाद
जिस वक्त हजरत बिलाल फजर की नमाज को बुलाने आते थे, अल्लाह के रसूल लेटे हुए रहते थे हुजूर, हालांकि रात भर नमाज में गुजारे हैं, अजान हुई फौरन सुन्नत दो रकअत पढ़कर हुजूर फौरन लेट जाया करते थे, ताकि बिलाल आए तो आप अलैहिस्सलाम को लेटे हुए पाए और हुजूर लेटे रहते। ये सुन्नत भी है कि और हमारे असलाफ भी तहज्जुद पढ़ने के बाद अजान होती सुन्नत, सुन्नत के बाद बिस्तर पर लेटे रहते हैं, थोड़ी देर लेटते हैं। ये उन लोगों को लेटना मसनून है जो रात में तहज्जुद पढ़े हो। जो तहज्जुद पढ़े नहीं, लेटना सुन्नत सुन्नत के बाद, हाँ अबे तू उठा ही अजान पर और उठकर दो रकात सुन्नत पर, तू तिलावत में बैठ, जिक्र में बैठ, फिक्र में बैठ, तू भी लेट गया ये सोच करके। भाई आप भी लेटते थे, भाई आप लेटते थे निस्फहु अविन कुस्मिन हो कलीला, आधी रात खड़े होकर लेटते थे, आधी आधी रात नमाज पढ़कर लेटते थे, और तुम जनाब तो अभी उठे हो, अभी उठकर सुन्नत पढ़कर। देखेंगे गैर मुकल्लिदीन के मसाजिद में कि गैर मुकल्लिदीन सुन्नत पढ़कर सब लेट जाते हैं, सब लेट जाते हैं सुन्नत पढ़कर, और जब इकामत होती है लेट कर उठकर आते हैं सब, ये सोच करके भाई हुजूर लेटते थे। वे हुजूर लेटते थे रात भर खड़े होकर लेटते थे, यूं ही नहीं, उसे कमर सीधी करना कहते हैं। भाई जिसकी कमर सीधी ही रही हो अब तक भी, उसे क्या सीधी करना, जिसकी कमर रुकी हुई हो, खड़ी हुई हो, झुकी हुई हो, उसकी कमर को सीधी करने की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी देर के लिए, उसे सिसकना कहते हैं। और इन लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि इस सुन्नत में ये लोग शामिल नहीं हैं। الغرض یہ وویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، اور پھر آگے کا جملہ ہے، وہ جملہ عجیب جملہ، ویمنعون الماعون، ماعون کہتے ہیں سستی چیزوں کو، سستی چیزیں، ویمنعون الماعون معمولی چیزوں کو دینے سے انکار کرنے والے، ये है जो मैंने कहा वह अम्मा साइल फला तनहर वह अम्मा बिनिअमत रब्बिक फहद्दिस। अल्लाह ने क्या कहा, जो सवाल करने को आए उसे धुतकारो मत, महरूम मत करो, और फिर क्या फरमाया, जो नेमतें हैं तुम्हारे परवरदिगार के तुम पर उसे जाहिर करो। फहद्दिस से मुराद उसे जाहिर करो। अब देखिए वयमनउन अलमाउन में नमक, आग, पानी, इन चीज़ों को उलमा ने गिनवाया है। वयमनउन अलमाउन नमक, आग और पानी। उस ज़माने में आग लेने के लिए पड़ोसी आते थे, इसलिए कि भाई चूल्हा जलाना जलाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता था। लेकिन बाजू घर से अगर आग लेकर चले जाते तो उनका घर का घर में चूल्हा जलाना आसान होता, तो आग लेने के लिए आते थे। और नमक, नमक तो मामूली चीज़ है भाई, आजू बाजू अदल बदल, जैसे आमतौर पर घरों में पकवान के वक्त में चाहे वो कितना बड़ा घर क्यों ना हो, ज़रा बाजू घर से नमक ले आओ, बस मतलब कम हो जाता है, भाई पानी ले आओ, पानी कम हो गया तो पानी ले आओ, तो इन बातों को भी पानी देने से इनकार कर दिया होने के बावजूद, नमक देने से इनकार कर दिया होने के बावजूद, आग देने से इनकार कर दिया होने के बावजूद, इनको इस वहीद में शामिल किया गया। ये लोग यानी मुनाफिकीन कुफार की अलामत ये हैं, बद अखलाक की अलामत ये हैं, और ऐसे नमाजी जिन पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह की नाराज़गी है, वो लोग हैं जो मामूली चीज़ देने से भी इनकार कर देते हैं, देते नहीं, हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई भी नेमत है उस नेमत को जाहिर करो। क्या मतलब, दिया करो। जाहिर करो का मतलब पहले पहले चमक लग फिरना सुनी, जाहिर करो का मतलब भाई तुम मालदार हो, माल दो। अल्लाह ने जो खाना दिया है खाना दो, सालन है सालन दो, जो चीज़ है वो दो। इस पर उलमा कहते हैं इंतहाई मक्खी चूसों के ऊपर यहाँ वईद बयान किया गया। मक्खी चूस, जैसे बाद लोग होते हैं कंजूस का सबसे आला दर्जा जो होता है मक्खी चूस, वो मक्खी चूस क्यों कहते हैं, भाई मक्खी गिर गई शहद में,
तो इसने क्या किया, उस मक्खी को उठाया और यूँ सोचा, भाई इस मक्खी पर तो कीमती शहद कीमती शहद मौजूद है, अब वो शहद को क्यों ज़ाय करें। तो इसने मुख्तलिफ़ एंगल में उसे बोसा दिया और जो मक्खी पर जो लगी हुई जो शहद है उसको खा लिया। इसे मक्खी चूस कहते हैं। तो इसलिए लतीफ़े के तौर पर कहा जाता है कि तीन कंजूसों का आपस में मुसाबका हुआ। तीनों ने कहा, जनाब हम घी लेते हैं और घी लेकर उसको रख लेते हैं अपने अपने घरों में। कुछ दिनों के बाद तीनों कंजूसों की आपस में मुलाकात हुई। इसलिए कि भाई कंजूस अलजिंसी अमीर इला जिंसी, बखील बखील के साथ रहता है। अब एक ने पूछा कंजूस ने, अरे भाई माशाल्लाह हमने घी खरीदी और घी खरीद कर अपने घर ले गए, क्या हाल है घी का ज़रा बताइए। उसे कहने लगा, भाई मैं ले गया और उसमें हमने एक काड़ी डाली, काड़ी जैसे सुरमे के लिए काड़ी लगाते हैं, इत्र के लिए काड़ी लगाते हैं, वैसे हमने घी में काड़ी लगाई। और जब खाना का नंबर आता है, दस्तरखान बिछने के बाद उस काड़ी को घी में डालकर घी निकालता हूँ और खाने में पूरे देग में उसे एक मरतबा गश कर देता हूँ और फिर काड़ी डालता हूँ, सालन में गश करा देता हूँ, तो वो घी का सालन, घी का चावल हो गया। तो उसने दूसरे ने कहा, ला हौला वला कुव्वा, अल्लाह की नेमत को आपने ज़ाय कर दिया। उसे भी आप क्या करते हैं, अरे हम क्या करते हैं, हम जब भी खाना रखा जाता है घी की शीशी खोलते हैं, हम कहते हैं भाई घी सूंघो और एक निवाला खा लो, घी सूंघो और एक निवाला खा लो। चुनाचे उस घी की शीशी को हम गश करा देते हैं। तो तमाम बच्चे भी सूंघ लेते हैं, ख़वातीन भी सूंघ लेती हैं और मैं भी सूंघ लेता हूँ, इसलिए कि असल खुशबू ही है। तो जब खुशबू आ गई तो फिर उसके बाद खाने की क्या ज़रूरत, तो नाक पर ना उसी खुशबू को जो ही दम ले ले, उस खुशबू को ज़ाय हुए बगैर उसे दम पकड़ लेकर जल्दी जल्दी दो तीन लक़मा खा लेना, इस तरह का निज़ाम। उसने कहा, अल्लाह अकबर अल्लाह, अच्छा तुम क्या करते हो भाई, तुम बताओ। कहा, हम कुछ नहीं, हम तो भाई घी ले जाकर जहाँ रखे, जब खाने का नंबर आता है हम दरवाज़ा खोलते हैं, जो अलमारी का दरवाज़ा है तो वहाँ घी की शीशी रखी हुई रहती है, हम उसे देखते हैं, मुस्कुराते हैं, उसी तसव्वुर में खाना खाकर ख़त्म कर लेते हैं कि हमने घी का खाना खाया। तो वयमनऊन अलमाउन, इससे मुराद कौन है, जो मामूली चीज़ों का इनकार करने वाली यानी इंतहाई कंजूस लोग हैं। बखील को यहाँ बताया गया कि मामूली बातों को इनकार करने वाले, इसलिए बे पानी है ये मामूली चीज़ है, इसीलिए पहले ज़माने में पानी फ़रोख्त करने को बहुत ऐब समझा जाता था। बिज़नेस, पानी के बिज़नेस, खाने के बिज़नेस को ऐबदार बिज़नेस समझते थे। अलगर्ज़ ये वयमनऊन अलमाउन में उसी बात की तरफ इशारा कि ये आयतों में ये बताया गया ईमान वाले ऐसे सिफात वाले नहीं हुआ करते। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें सरिये को जो बातें बताई गई कुरान पाक की आयतों में, उन तमाम चीज़ें जिससे अल्लाह ने मना किया उसे रुकने की, और जो नहीं करना चाहिए वो युअरफुल अशिया भी अज़दादिहा, यानी ये चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं मोमिनों के अंदर ये सिफात ना हो, नहीं होनी चाहिए। मोमिन उस इंसान को नहीं कहते जो इन सिफात वाला हो, ये सिफात जिसके अंदर नहीं है वो मोमिन है, मुस्लिम है, अल्लाह का नेक और पाक पसंदीदा बंदा है, ये उस वक्त समझा जाएगा जिस वक्त में ये सिफात से बचाया जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।